नमस्कार। शादी करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इनफैक्ट एक सक्सेसफुल शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक राइट पार्टनर। और जब आपको एक राइट पार्टनर मिल जाता है, एक कंपैटिबल पार्टनर मिल जाता है, फिर आप शादी की जल्दीबाजी में आपको लगता है आप कभी भी शादी कर लो, बस शादी हो जाए। हालांकि बहुत सारे लोग पंडित जी से अपनी कुंडली दिखवा के, मैच मेकिंग करवा के एक ऑस्पिशियस डेट निकलवाते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो तारीख आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कंपैटिबल है, क्या वो आपके नंबर्स के हिसाब से भी कंपैटिबल है या नहीं? ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं या वो प्लान करने वाले हैं। जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को चूज़ करने में इतनी एहतियात बरतते हैं, तो अपने लाइफ के उतने इम्पॉर्टेंट दिन के लिए, मैं लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन नहीं कहूँगी क्योंकि लाइफ में शादी के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हाँ, ये वन ऑफ दोज इवेंट्स है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। तो इतने महत्वपूर्ण इवेंट के लिए हम वो डेट क्यों नहीं चूज कर सकते जो हमारे नंबर से कंपैटिबल हो? आप अगर आप अपने पंडित से डेट डिस्कस करते हैं तो प्लीज मेक श्योर उनसे कहें कि वो एक से ज्यादा डेट दें। आपके पास चॉइसेस होंगी तो आप अपने कंपैटिबल नंबर से उस डेट को चूज कर पाएंगे। वो डेट आपके प्राइमरी या डेस्टिनी नंबर किसी से भी कंपैटिबल हो सकती है, लेकिन उसका कंपैटिबल होना ज़रूरी है। अब अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर से कंपैटिबल है बट आपके पार्टनर के, आपके होने वाले पार्टनर के नंबर से कंपैटिबल नहीं है, तो भी ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर नंबर 6 है और आप नंबर 1 है, तो आप ऐसी डेट चूज नहीं कर सकते हैं जो आपके पार्टनर के नंबर के अगेंस्ट हो। तो जब भी आप अपनी डेट चूज करें, आपको कंपैटिबल नंबर्स कौन से होते हैं वो मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे कि कौन से फैमिली ऑफ नंबर्स किस नंबर के लिए कंपैटिबल होते हैं। तो डेट चूज करते समय ये ध्यान में रखें कि आपकी डेट ऑफ मैरिज दोनों पार्टनर से कंपैटिबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई 9 नंबर का इंसान है, अगर वो 7 तारीख को शादी करता है, तो 7 और 9 एंटी नंबर्स हैं, ये एक दूसरे से अच्छे हार्मनी में नहीं है। तो आपको ये पॉसिबिलिटी है कि शादी के बाद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स हर शादी में आती हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, आपका जो शादी की डेट होती है, आप एनिवर्सरी हर साल मनाते हैं, इनफैक्ट कुछ कपल्स तो मंथली एनिवर्सरी मनाते हैं, तो इतनी इम्पॉर्टेंट डेट आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, पॉलिटिक्स में भी, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस अगले वीडियोस में करूंगी, जो बहुत कंपैटिबल हैं बट शादी उनकी एक अच्छे डेट पे नहीं हुई है। तो कोशिश करिए कि आपकी जो शादी है वो आपके हारमोनियस, आपके कंपैटिबल नंबर्स पे ही हो। जो लोग न्यूमरोलॉजी को मानते हैं और न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके पंडित ने कोई भी डेट दी हो, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फॉलो करना है तो सिर्फ कंपैटिबल डेट्स ही नहीं फॉलो करनी है, आपको ये भी फॉलो करना है कि शादी मंथ के शुक्ल पक्ष में हो, कृष्ण पक्ष में नहीं। मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि 2 पक्ष होते हैं, तो शुक्ल पक्ष में ही शादी होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली या जिन लोगों को पता है, सिर्फ शुक्ल पक्ष की ही नहीं, इनफैक्ट वो अच्छे दिन होने चाहिए। अच्छे दिनों का मतलब वो मलमास नहीं होना चाहिए, वो पितृपक्ष का पीरियड नहीं होना चाहिए,
वो मंथ का कोई ऐसा पक्ष नहीं होना चाहिए जहां पे शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर के साथ न्यूमरोलॉजिकली भी इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ का जो इनिशिएशन है एक नई जिंदगी में, एक नए पड़ाव में, वो बहुत अच्छा होगा। जिन्हों की शादी हो चुकी है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो एक नई लाइफ प्लान कर रहे हैं। और जब आप कुछ अच्छी चीज, कुछ बड़ी चीज प्लान करते हैं तो हम सबकी ये कोशिश रहती है कि हर एक छोटी छोटी चीज जो आपके फेवर में हो सके, जो आपको ब्लेसिंग्स की तरह सूट कर सके, उनका ध्यान रखा जाए। चाहे वो घर बना रहे हों, चाहे आप जॉब ले रहे हों, चाहे आप शादी कर रहे हों। ये वीडियो स्पेसिफिकली शादी के लिए था, लेकिन बाकी हर इवेंट के लिए एक अच्छे दिन की शुरुआत, एक अच्छे समय पे शुरुआत बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से जब आप घर का गृह प्रवेश करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तभी भी आप एक शुभ मुहूर्त, एक शुभ दिन जरूर देखते हैं। तो शादी के लिए प्लीज अपनी छुट्टियां या अपने रिश्तेदारों की अवेलेबिलिटी देखने से बेटर है कि आप अपना कंपैटिबल डेट देखें। विद ऑल द ब्लेसिंग्स, थैंक यू।